तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों? फौजी गेम लेन लॉन्च हो चुका है और मेरे में तो भाई साहब हैंग भी हो चुका है। इसे कहते हैं जैसे नहा धो के तैयार हो जाओ और कोई कपड़ों पे थूक जाए। तो भैया भारत को जिसका बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था उनका इंतजार खत्म हुआ और अभी 26 जनवरी को फौजी गेम लॉन्च कर दिया है। और ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे पबजी से बिल्कुल कंपेयर ना करें क्योंकि ये खुद में ही बहुत घटिया है। एनकोर कंपनी 460 MB का गेम बनाया है। 460 MB के गेम में जस्ट और जस्ट 10 MB के गेम वाली इसमें विशेषताएं दे दी है। बस हमारा फौजी घुसंडी मारते रहता है। हमारे फौजी के पास कोई बंदूक नहीं है, कोई चाकू नहीं है, कुछ भी नहीं है। बल्कि जो आपको बाद में खरीदने को मिलेगा वो बस एक डंडा सा मिलेगा और उसमें जिस कुछ ज्यादा से कांटे हैं, झालर है, लूलू पुलू चूलू, बस वही है। वाह, इस गेम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ग्राफिक आप मीडियम पे रखो, हाई पे रखो या अल्ट्रा पे रखो, सेम लगते हैं। और भैया झूठ बोल रहे हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि केवल 10 मिनट में ही अनइंस्टॉल कर रहे हैं लोग इस गेम को। नहीं, कई लोग तो 2-2 मिनट में भी कर रहे हैं। देखो भाई, गेम के ग्राफिक की बात करो तो ग्राफिक रियल रखते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। इंडियन गेम के हिसाब से कंपेयर करूं तो ये ग्राफिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन गेम में लैग बहुत ज्यादा हो रहा है। ये ऐसे समझो जैसे शादी में फूफर उड़ जाते हैं ना, हर 2 मिनट बाद गेम लैग हो जाता है और फिर रगड़ते रहो। मैंने खेला इसे फोल्ड 2 में, भाई साहब 12 GB की रैम है। अब 12 GB की रैम में भी एक गेम नहीं चल रहा तो क्या रॉकेट में चलाऊं क्या इसको? और मुझे इस गेम की 2 बात बहुत ही अच्छी लगी। एक तो ये कि जब हमारा प्लेयर जा रहा है, दौड़ रहा है, उसको किसी ने मारा पीटा नहीं है, एक घुसंड भी नहीं लगा उसको, लेकिन उसकी हेल्थ अपने आप ही कम हो गई चल चल के। ठीक है भाई, बड़े लोग बड़ी बातें। और दूसरी बात, जो हमारे एनिमी है वो बहुत ही क्यूट है। आप उनके सामने खड़े हो जाओ तो वो आपकी आंखों में आंखें मिला के बस देखते रहेंगे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे। इट्स लाइक मान लो कि तू मार मैं मारू, तू मार मार के दिखाइयो, मारियो अब के मार दियो, और मारना वारना कुछ है नहीं, पता नहीं क्या बात करते रहते हैं आपस में। देखो भाई, इस गेम के बारे में बात ऐसी है कि ठीक है एक गेम निकाला है, लेकिन हम देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्ति दिखाने के लिए जरूरी नहीं है हम उस गेम को खेल लें जो कि बेहद बकवास हो, क्योंकि कोई कंपनी 20% हमारे फौजियों को भेज रही है। हम अपने फौजियों को डायरेक्ट भी मदद कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी घटिया से गेम को खाने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही समझो कि तुम, ये बात इतनी इम्पॉसिबल है मुझे एग्जांपल भी समझ नहीं आ रहा। इस गेम का कंपैरिजन पबजी से नहीं होना चाहिए, हालांकि वो जो काउंटर आता था मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता था। इवन उसमें हमारा प्लेयर लेट तो जाता था, इसमें तो हमारा प्लेयर लेट भी नहीं रहा, बैठ भी नहीं रहा, तो कॉन्ट्रा मुझे लग रहा कॉन्ट्रा भी ज्यादा ही है इससे। कुछ लोग कह रहे हैं भैया अभी अपडेट आएगा, अभी अपडेट के बाद देखना ये गेम कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ, अपडेट के बाद तो बाहुबली बना देंगे इसको। अबे कितना चेंज कर देंगे, अब भी कितना टाइम मिला था, अब किस बात की जल्दी थी, क्यों लॉन्च कर दिया? जब आप किसी को खाना परोस रहे हो तो ढंग का बना के दे लो ना। अभी तुम खाना दे दो और बाद में ये कहो कि ओहो नमक भूल गए ऊपर से घोल लो, ओहो मिर्च भूल गए ऊपर से डाल लो, अबे ऐसे नहीं होता। तो भैया गेम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई अच्छी बात है ही नहीं। बाकी आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, केवल इसलिए आप इस गेम को खेल सकते हो क्योंकि 20% हमारे फौजियों को जाता है, जो कि कोई लॉजिकल बात नहीं है। हमारे फौजियों को हम वैसे भी मदद कर सकते हैं, एक तुच्छे से गेम खेलने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं दिखाता हूं आपको अपने गेम प्ले का एक्सपीरियंस। तो भैया गेम हो चुका है लॉन्च, इसकी कहानी बहुत बढ़िया है, लेकिन कहानी अच्छी हो इसलिए हम गेम खेल रहे हैं तो कोई लॉजिक नहीं। कहानी देखने के लिए तो नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम भी है ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टोर मिल रहे हैं जिसमें आक्रोश, प्रतिकार, प्रकृति, तांडव, ऐसे बहुत सारे हमारे पास शस्त्र हैं। और यहाँ पर 300 कॉइन का है, आपको 230 रुपए के कुछ 500 कॉइन मिलते हैं, तो वो कॉइन ही जाते हैं हमारे फौजियों को कहते हैं ऐसा। तो इसको हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले शुरू हो गया और लेफ्ट राइट का यहाँ पे बटन है और मारने के लिए केवल घूंसे हैं, ये लेटते वेटते नहीं है। ओहो चलिए चल देते हैं। ओके ओके ऑप्शन, ठीक है इसको सेव कर लेता हूँ मैं। ठीक है चलिए चलिए चलिए, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ
और यहाँ पे सामने मेरे एनिमी आ गए हैं। ओके ठीक है, ये कह रहे हैं चलिए भाई साहब। और यहाँ पर मेरे सामने एनिमी आ चुके हैं और ये कुछ नहीं कह रहे। अरे मारो भाई, मैं इनके और पास जाता हूँ। अरे मारो, मार मारियो मारियो मार। अबे कितने क्यूट हैं। आइए आपका इंतजार था। अबे मार, एक तो बग गया। अबे अबे कहाँ चला गया, ले मैं मारूंगा ससुरे। ये मैंने एक मार दिया और चुप करो। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आय हाय हाय, ओह बस पिट रहे हैं, चुप। ऐसे दुश्मन मिल जाए तो मजे ही आ जाए, बहुत बढ़िया। चुप पिट रहे हैं। अबे जाओ बदतमीज, हट हट हट, मारता हूं तभी आगे बढ़ने देंगे। एक कमाल की बात, मेरी हेल्थ अपने आप कम हो रही है, मतलब कि मैं पिटा भी नहीं हूं। और यहां ए ले ए ले, हैंग हो गया। फू चला लिया हमने गेम, बढ़ में जाओ। देखो भाई, गेम खेलने की सबसे अच्छी बात यह है कि हैंग हो जाता है, आपको ऐसे टॉयलेट वॉयलेट जाने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि हैंग हो जाता है।